हेलो फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत साही, ए केमिस्ट्री फैकल्टी। आई एम टीचिंग केमिस्ट्री टू द नीट एंड आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट 22 इयर्स। मैं पिछले 22 साल से नीट और आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री में ट्रेनिंग दे रहा हूं, और इस अपने 22 साल के यात्रा में लगभग 5000 समवेयर अराउंड 5000 स्टूडेंट्स को आईआईटीएंस, एनआईटीएंस एंड टॉप ब्रांड मेडिकोज बनने में मैंने डायरेक्टली हेल्प किया है थ्रू माय क्लासरूम टीचिंग। शुरुआत के तकरीबन 20 वर्ष मैंने चंडीगढ़ में अपनी केमिस्ट्री एकेडमी चलाई, पर पिछले 2.5 साल से मैं नांदेड़ में हूं, और नांदेड़ के एक बड़े ही रेप्यूटेड प्रतिष्ठित केमिस्ट्री एकेडमी से जुड़ा रहा। और यहां पे भी इस 2.5 साल के दरमियान तकरीबन 5 से 6 हजार स्टूडेंट्स नीट के और तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई के लिए मुझसे ट्रेनिंग लिए। पर ये कोरोना लॉकडाउन के ड्यूरेशन में किसी अपरिहार्य कारणों से मुझे वो एकेडमी छोड़नी पड़ी। एंड नाउ आई एम ए फ्री मैन, आई एम मास्टर ऑफ माई ओन। अब मैंने नांदेड़ में ही रह के केमिस्ट्री पढ़ाने का निर्णय लिया है, और मैंने अपनी एक छोटी सी एकेडमी स्टार्ट की है यहाँ पे केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड के नाम से। उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक मिनट में मैं अपने नांदेड़ के अनुभव को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नांदेड़ में बच्चे प्यार से मुझे शाही सर कहते हैं, और पिछले 2.5 साल में बच्चों से अगाध स्नेह मुझे मिला, जिसने मुझे प्रेरित किया दैट इट इज द राइट प्लेस टू वर्क, सो कंटिन्यू एट दिस प्लेस, and therefore I have decided to start my own chemistry academy, that is chemistry simplified. IIT JEE preparation और NEET के preparation के लिए मैंने अपनी teaching journey में लगभग 10 best selling chemistry के book author किए लिखे हैं, और वो book इंडिया के बेस्ट पब्लिशिंग हाउस अरिहंत पब्लिकेशन, CBS पब्लिकेशन से पब्लिश होते हैं, एंड दे आर द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द मार्केट्स, लाइक एसेंशियल फिजिकल केमिस्ट्री, एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, DPP केमिस्ट्री, लाइक दैट। नांदेड़ में मैंने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए ये अनुभव किया कि यहां के स्टूडेंट में जूझने की एक अथाह क्षमता है। दे आर रेडी टू वर्क, दे आर रेडी टू डू व्हाट एवर रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल। बस जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शन की, राइट डायरेक्शन दिखाने की, वो मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर है, और यह चीज मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं आपको यह भरोसा दे सकता हूं
कि अगर आप में कहीं से भी स्पार्क है, चिंगारी है, तो उसको मैं सोलो में तब्दील कर दूंगा। आप जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उसका मार्ग मैं सरल कर दूंगा। आप में जुनून की जरा सी भी कमी नहीं है, आपकी कार्य क्षमता काफी ज्यादा है, आप में जुझारूपन है, बस जरूरत है तो उसको एक सही दिशा देने की। और मैंने अपने 22 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपटीशन नीट की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो कंपटीशन आसान नहीं है। आसान इस सेंस में नहीं है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स बड़े लिमिटेड हैं, एंड देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट टू टीच, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, एंड ऑल्सो व्हाट नॉट टू लर्न, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ मटेरियल। इतनी मटेरियल है कि उसको अगर हम पढ़ने लगे तो 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। सो वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट मटेरियल। कौन सेलेक्ट करेगा? आपका मेंटर। तो मैं आपको एक संदेश देने जा रहा हूं कि जस्ट ड्रीम बिग। आप सपने देखो और सबसे ऊंचा सपना देखो, उसको पूरा करने का, उसको साकार करने का मार्ग रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप उस पर चलेंगे तो आपके सक्सेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वैसे नांदेड़ में काफी अच्छा पढ़ाई का माहौल है, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, खास करके यहाँ का जो बायोलॉजी सेक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रांग, वेरी रोबस्ट। अपने बुक के प्रचार प्रसार के लिए मैं कंट्री के बाकी पार्ट में भी घूमता हूँ और बाकी सिस्टम से भी फेमिलियर हूँ। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो बायोलॉजी का जो टीचिंग सिस्टम है, जो उनका मेथडोलॉजी है, दैट इज बेस्ट इन द कंट्री, अनमैच्ड है। जस्ट टू कीप द मोमेंटम गोइंग आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प देम इन टू हेल्प देम थ्रू माई सब्जेक्ट ऑल्सो। सो दिस मैसेज आई एम गिविंग टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन क्लास 11 एंड गोइंग टू क्लास 12, दैट इज दे विल बी अपेयरिंग इन नीट 2021। जिन्होंने एक साल पढ़ाई कर ली है, अब उनके पास एक साल शेष बचा है फॉर देयर नीट एग्जामिनेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ देयर लाइफ। इस एक साल को अगर सही से प्रॉपरली प्लान्ड करके आपने नहीं बिताया, देन लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर प्रॉपर आपकी प्लानिंग हो, सही आपको दिशा देने वाला हो, तो आपका काम आसान हो सकता है। योर जर्नी विल बिकम वेरी ईजी। दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डू। कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। जो लोग मुझे जानते हैं
वो मेरे काम करने की स्टाइल से शैली से वाकिफ हैं और वो भरोसा भी करते हैं कि साहिर से जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, मैंने हमेशा स्टूडेंट के भले की सोची है, हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेंगे। आपकी केमिस्ट्री की जो भी नीड होगी उसको पूरा करने का मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। आपने एक साल 11th क्लास पूरा कर लिया है, बट स्टिल अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी, कॉन्सेप्चुअल गैप होगा, तो मैं वो भी पूरा करूंगा। और कमिंग वन ईयर में एक वाटर टाइट शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे और उसमें केमिस्ट्री एज ए होल को हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जिससे कि एनीथिंग कैन हैपन एक ड्रीम है कि कुछ स्टूडेंट्स 180 लेके आए केमिस्ट्री में। आई हैव दैट एबिलिटी बट आई एम इन सर्च ऑफ द राइट स्टूडेंट्स हु कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत है तो मैं आप में वो इनपुट भरूंगा जिससे कि आपकी काबिलियत और वो इनपुट मिलके उस मुकाम तक पहुंच सकता है। आगे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, इस वीडियो के एंड में उसका डिटेल मेंशन होगा। जस्ट इन फास्ट मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि मैंने कुछ वीडियो लेक्चर इसके साथ मैंने अटैच किए हैं जिसका डेस्टिनेशन इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। आप उस वीडियो लेक्चर को, वो आप केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, उस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें। उसमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, कुछ इनिशियल चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर हैं और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं। उसको आप ध्यान से देखें और उसका लॉजिकल एनालिसिस करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको कंपेयर करें फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न सो फार। एंड इफ यू फाइंड ए बिग डिफरेंस फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट इज देयर, तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। आई कैन जस्ट रीअश्योर यू दैट केमिस्ट्री विल बी योर बेस्ट विथ मी। आपकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी होगी मेरे साथ, क्योंकि मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करता हूं कि यू कैन बी टॉपर, यू कैन बी AIR ऑल इंडिया रैंक 1। क्यों नहीं, क्योंकि जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आता है वो भी आप ही के जैसा एक स्टूडेंट होता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान में होता है, फर्क सिर्फ और सिर्फ उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास में होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए दैट यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, गॉड इज विथ यू, यू विल डू इट, तो इस वीडियो के एंड में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उस डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखें और उसके बाद जो उसमें वीडियो लेक्चर गिवन है, उस वीडियो लेक्चर को, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर हैं, उसको आप थोड़ा समय दें, स्टडी करें,
बट नॉट कैजुअली, सिंसियरली। क्योंकि अगर आप कैजुअली देखेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा उसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। अगर सिंसियरली देखेंगे देन यू विल फाइंड सम डिफरेंस। इफ यू फील सो, बी पार्ट ऑफ दिस सक्सेसफुल जर्नी। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।